अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। जानता हूं आप मेरे साथ कहने के लिए बेसब्र हैं, बेताब हैं, अधीर हैं, तो कह दीजिए सेलो प्रेजेंट्स वाह भाई वाह। भाई दुनिया में एक चीज ऐसी होती है जो गम गलत कर देती है, कितना भी गम सही क्यों ना हो। तो एक साहब सुबह से गम गलत कर रहे थे, एक को रोका, टाइम क्या 7:30, क्या हो गया, सुबह से 10 लोगों को पूछा सब अलग टाइम बजा रहे हैं। ऐसे ही एक तीन दोस्त शराब की दुकान के बाद गम गलत करने बैठे, तीनों के अलग अलग कारण थे। एक का कारण ये था कि बीवी थी, एक का कारण यह था कि बीवी नहीं थी, एक का कारण यह था कि उनसे उम्मीद ही नहीं थी। वो तीनों बैठे हुए थे, आज पिएंगे, आज जम के पिएंगे, डिसाइड कर लेते कितनी देर पिएंगे। एक बोला 8 बजे तक पिएंगे, दूसरे बोला जब तक मेरे आंसू नहीं रुक जाते तब तक पिएंगे, तीसरा बोला देखो सामने वो 3 पेड़ है जब तक 6 नहीं दिखते तब तक पिएंगे। तो दारू बेचने वाला आया, बोले क्या बोला, वापस बोल, ओ सामने जो 3 पेड़ है जब तक वो 6 नहीं दिखते तब तक पिएंगे। बोले जंगल बनाएगा क्या, वहां 1 ही पेड़ है। तो ये हमारे 3 मेहमान हैं जो आज की हमारे इस महफिल में आज के साथ हैं, सारे देश और दुनिया के साथ और कमाल करने वाले। राकेश सोनी है, मैं बड़े पुराने ज़माने से नहीं जानता हूँ और मुझे ये फख्र है इस बात का कि राकेश सोनी और दीपक पारिक ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलीविजन पे पहली बार, मैंने कहा कि आओ कविता पढ़ो, इन्होंने पहली बार आके कविता पढ़ी और सारे देश में छा गए। और विभा सिंह जो बनारस से हमारे बीच में आई है, मिर्ज़ापुर की रहने वाली है, बनारस में रहती हैं, पहले पढ़ाती थी एक स्कूल में, अब कविताएं पढ़ती हैं। दीपक पारिक भीलवाड़ा में रहते हैं, कुछ नौकरी वोकरी करते हो? बीमा एजेंट, रिश्तेदार फोन नहीं उठाते। ये दुनिया का अकेला आदमी है जो लोगों को मौत के फायदे बताता है। मोहल्ले वाले तो मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि तुम वैसे भी जवानी के प्रेम चोपड़ा लगते हो, तो लड़कियां तो वैसे ही भाग खड़ी होती होंगी, आ गया, आ गया। तो ये दीपक पारिक है जो भीलवाड़ा राजस्थान से आते हैं, विभा सिंह बनारस से और राकेश सोनी दिल्ली से। तो इन तीनों के लिए कहते हैं वाह भाई वाह। तो दीपक पारिक वहां बैठे मत रहो, आओ जोरदार तालियों के साथ दीपक पारिक। नमस्कार, मुझे शो में बुलाने के लिए शैलेश सर और शमरू चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां देखिए, देश के कर्णधार बने सिद्धांतों के प्रणेता बने, देश के कर्णधार बने सिद्धांतों के प्रणेता बने, जिन्होंने भी चौराहों पर जूते खाए वो बहुत बड़े नेता बने। बहुत बढ़िया दीपक, अच्छे। जूते खाते ही मांगने अपना हक पहुंच गए, कुछ लोगों ने तो इतने जूते खाए कि मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आप कहीं आसपास देखो कि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को लोग लात घूंसों से मार रहे हैं तो समझ लेना उसका भविष्य संवार रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता कोई आम नहीं होता, वह लोहे का दूत होता है, इसलिए जितना पिटता है उतना ही मजबूत होता है।
जूता यदि आम आदमी को पड़े तो 3 दिन तक गर्दन नहीं हिलती है, मगर किसी नेता को पड़े तो उससे उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है। मैं तो कहता हूँ किसी न किसी मामले में घसीटते रहो, मैं तो कहता हूँ किसी न किसी मामले में घसीटते रहो, और देश में अच्छे और मजबूत नेता चाहते हो तो समय समय पर पीटते रहो। वाह, कोई अगड़ा नेता बनेगा, कोई पिछड़ा नेता बनेगा, तो कोई तगड़ा नेता बनेगा। आदमी जितना पिटेगा उतना ही बड़ा नेता बनेगा। वाह, इसलिए राजनीति के तमाम दुशाले उतारो, और अपने रिश्तेदारों को भी नेता बनाना चाहते हो तो दौड़ा दौड़ा कर मारो। भाई दीपक, मैं तुझे बहुत बड़ा कवि बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आज इसे मारना शुरू कीजिए, मैं तो तैयार हूँ। मुझे याद आ गया एकदम, तुम कहते दौड़ा दौड़ा के मारो, ऐसा होता है। एक बड़ा दोहा है प्रसिद्ध, जो तो को काटा बुए ताई दही तू फूल। क्या बात, तो को फूल को फूल है वो हो गो त्रिशूल। हम इतने बरसों से सुन रहे हैं कि जो आपको काटा आपके लिए बोरा है, आप उसे फूल दीजिए, आपका तो फूल फूल ही रहेगा, वो काटा त्रिशूल हो जाएगा। लेकिन हमारे पिताजी ने बचपन में सिखाया, जो तो को काटा बुए ताई दे तू जूत, और तो को जूत को जूत है वो होगा मजबूत। हमारे यहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते। अच्छा, उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा ऐसे कि मेरा पुतला और ऐसा, तो उस रावण के दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे नेताओं के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खा गए, मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी। पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है या कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। फिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, यह कैसा है अभिशाप, देश राम का है और लोग रावण के भी हैं बाप। वाह 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 वाह। तो दीपक, हमारे बीच भीलवाड़ा से है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल की नगरी कही जाती है, जहाँ कपड़े बनते हैं, और कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे धागों को बुनना पड़ता है, और कविता बनाने के लिए बहुत सारे विचारों को बुनना पड़ता है। और दीपक ने बहुत सारे विचारों को बुना, गुना, और कविता का जो वस्त्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, उस वस्त्र में न केवल बहुत रंग बिरंगे चित्र थे, बल्कि ज़माने की कुछ तल्ख सच्चाइयाँ भी थी, और उन सच्चाइयों को आप हमारे सामने लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई दीपक पारेख। और अब दीपक के बाद में बुला रहा हूँ राकेश सोनी। मित्र, आदमी की जिंदगी में उसके प्रोफेशन का किस कदर गहरा ताल्लुक होता है। कि हुई एक सब्जी वाले की नई नई शादी, अब सब्जियां ताजी रखने के होते हैं आदि। आज थी पहली रात, अब पत्नी के कमरे में पहुंचा कद्दू दास, दूध के स्थान पे पानी का लोटा रख लिया पास। अच्छा, सोने के बाद थोड़ी देर उठता, लोटे से पानी हाथ में लेता, बीबी पे छिड़कता, तो फिर सो जाता। तो सोने का उठता, लोटे से पानी हाथ में लेता, बीबी पे छिड़कता, फिर सो जाता। तो घबराई, सकुचाई, लज्जाई, तम तमाई बीबी ने पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हैं आप, ये भी कोई सोने का तरीका है जनाब।
मासूमियत भरे लहजे में सब्जी वाला बोला, देखिए बहन जी। आदत नहीं जाती कि देखिए बहन जी, थोड़ा कष्ट तो सहेंगी पर बिल्कुल ताजा रहेंगी। बहुत अच्छे राकेश। अब सुबह तक मुरझाना जाना, खिली खिली नजर आना। पत्नी बोली, आप क्या समझते हैं ऐसे पानी डालने से मैं ताजा रहूंगी या खिलूंगी? मैं तो सुबह तक कमल ककड़ी की तरह अकड़ी हुई मिलूंगी। ऐसा ही दृश्य और देखिए मित्रों, हुई है डॉक्टर की नई नई शादी। अच्छा। अब स्टेथोस्कोप, टॉर्च और स्टूल रखने के डॉक्टर होते हैं आदि। आज थी पहली रात, तीनों चीजें लिए पहुंचा पत्नी के पास। बोला, यस करीब आइए, स्टूल पे बैठ जाइए, जीभ दिखाइए। जीभ दिखाइए। जीभ को जांचा बांचा, बोला अब घूम जाइए। जीभ को जांचा बांचा, बोला घूम जाइए। स्टेथोस्कोप रखा पीठ पर, बोला सांस लीजिए खींचकर। नबज को टटोला, फिर कुछ यूं बोला, डार्लिंग ये बात नहीं बताई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो है हाई। अब पत्नी थी पंजाबन, फट से गई तन, ओ मर जाने या रुड़ जाने या खसमनु खाने या, ओ क्या नहीं बताई, ओ स्वागरात को नहीं होएगा तो कब होएगा ब्लड प्रेशर हाई। स्वागरात को नहीं होगा तो कब होएगा ब्लड प्रेशर हाई। बात है भैया, पर ये बात उसने पति के सामने नहीं दोहराई। पति ने जेब से निकाला पेन, लिखा प्रिस्क्रिप्शन, बनकर बोला पत्नी से, बोला 100 रुपए लाओ, ये दवाई खाओ और चुपचाप सो जाओ। पत्नी ने भी पर्स खोला, अच्छे से टटोला, बनकर बोली पति से, बोली 100 के बजाय 200 उठाओ, पर अपन नहीं रहना तो अड्डे ना, साडा माइके का टिकट कटाओ। एक दृश्य और देखे साहब के, हुई एक पुलिस वाले की नई नई शादी। अब ले देके सुल्ताने के होते आते। आज थी पहली रात, पहुंचा पत्नी के पास, अच्छा खासा मुस्टंडा, हाथ में घुमाता पुलिस का डंडा। पहले तो बेड के चारों तरफ घूरा, फिर सुहाग की सेज पे वरमाला को पुलिस के डंडे से उठाया। बोला, देख मैडम, यो मेरी पहली पहली स्वागरात है, तेरा मेरा जन्म का साज है, पर ये पहली रात दम मनाऊंगा, पहले थारे फिंगरप्रिंट और वरमाला के फिंगरप्रिंट दोनों ने मिलाऊंगा, और जब दोनों ने एक पाऊंगा जब भी सुहाग की सेज पे आऊंगा, वैसे ये सुसरे फिंगरप्रिंट मिले ना मिले तो भी चल लेगा, बस थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। बाकी ऐसे लेते से पूरा खर्चा पूरा पानी, पर तू है हमारी अर्धांगनी, तूने जो कुछ लेना फटाफट लिया और प्रथम मिलन मिला। पत्नी बोली, सुसरे के कह रहा, ये जो तेरे बाप की दहलीज पे दहेज का भरा ट्रक खड़ रहा, यू ना सा तेरी आंखें में गट रहा। बोला, डार्लिंग ये तो सैलरी सा है। ये तो सैलरी से, मैं तो ऊपर की कमाई की बात करूं। और पुलिस वाले ने पहली रात जब मनाई, पहले पत्नी की सोने की चेन और अंगूठी उतरवाई। सुबह बाईजत पत्नी को लटाई, पत्नी ने पूछा, जी ये क्यों लटाई? बोला, देख मैडम, वो धंधे की बात थी, ये रिश्तेदारी से। ये रिश्तेदारी, वाह वाह। हम पुलिस वाले बिना पैसा लिए किसी का कुछ भी ना करें, तभी तो सुसरी जनता हमसे डरे, वरना हमसे कौन डरे। क्या बात, वाह 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 वाह। हुई एक कवि की नई नई शादी, अब कविताएं सुनाने के होते हैं आदि। आज थी पहली रात, पहुंचा पत्नी के पास, पत्नी के पास आया, घूंघट उठाया और कुछ यूं फरमाया, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, कमरे की बंद कुंडी को नमन करता हूँ, दूध के खाली ग्लास को नमन करता हूँ, सुहाग की सेज पे बैठी आप सुधी श्रोता को मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। दिल से लिखता हूँ, दिल से गाता हूँ, आपको सुनाता हूँ, कविता पाठ प्रस्तुत करता हूँ, पसंद है तो तालियां बजाइएगा, नहीं तो चुपचाप सो जाइएगा। फिर वो शुरू हुआ, ओ प्रियतमे तू ही मेरी हृदयतमे,
मन मोहिनी गजगामिनी मन भावनी मन रागनी प्राणेश्वरी राजेश्वरी रागेश्वरी राजेश्वरी मेरी कविता तू मेरी पाठ तू मेरी गजल तू मेरा ठाठ तू मेरा ओस तू मेरी जंग तू मेरा हास्य तू मेरा व्यंग तू मेरी नियति तू मेरी प्रीत तू मेरा छंद तू मेरा गीत तू मेरा दिन भी तू मेरी रात तू मेरे साय तू मेरी प्रातः तू मन प्राणनी मेरी रजनी तू मेरी सोनी तू मेरी सजनी तू मृगनानी तू मेरी रानी तू मेरी पुन्नु तू पटरानी तू मेरी जीत तू मेरी हार तू मेरा प्यार तू संसार तू मेरा फूल तू मेरा राग तू गुलजार तू अनुराग तू मेरी प्रेमिका मेरी साधिका मेरी रुक्मणी मेरी राधिका मेरी सरिता तू मेरी ललिता तू जयललिता तू मेरी ममता तू मेरी सुषमा तू मेरी सोनिया मेरी मोनी मेरी मोनिका मेरी पावला तू मेरी हेमा तू मेरी रेखा तू मेरी माधुरी मेरी तब्बू तू मेरी शिल्पा तू श्रीदेवी तू मेरी जूही तू मेरी दिव्या तू मेरी रीना तू मेरी बियाली तू मेरी बाला तू मधुबाला तू बस तू ही तू सब तू ही तू सातों जन्म तू मेरा सनम तू बस तू ही तू बस तू ही तू तुम ही तू तु, तू ही तू तू ही तू वो ही तू ये ही तू तमाम तू तो भावुक पति आया तुम ही मेरी कामिनी हो तुम मेरी रागिनी हो तुम ही मेरी मोहिनी हो तुम ही मेरी अर्चना हो तुम ही मेरी पूजा हो उसने घूमर पलाक तुम ही मेरे महेश हो तुम ही मेरे सुरेश हो तुम्ही दिल्ली वाले राकेश हो ताकि सोनी दीपक पारिक आपने कमाल कर दिया कमाल तो सारे ही लोग करते हैं भाई हिंदी कविता की ताकत जिसके पास है उसके पास कमाल न हो ऐसा संभव ही नहीं हो मैं बुला रहा हूं बनारस की विभा सिंह को जोरदार तालियों से स्वागत नमस्कार आप सभी को मैं विभा सिंह बनारस से चार पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हूं लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं हाय हाय लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं निभा डोली संग जाऊं ना कहार संग जाऊंगे डोली संग जाऊं ना कहार संग जाऊंगे डोली संग जाऊं ना कहार संग जाऊंगे मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे डोली संग जाऊं ना कहार संग जाऊंगे डोली संग जाऊं ना कहार संग जाऊंगे अखियों में दिन रात जिसका है सपना अखियों में दिन रात जिसका है सपना जिसके सिवा न कोई दुनिया में अपना जिसके सिवा न कोई दुनिया में अपना कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है छवि उसकी मन में उतार संग जाओ छवि उसकी मन में उतार संग जाओगे शाम के आरती है
विभा सिंह, वाह क्या गीत पढ़ाया आपने, बहुत सुंदर। पर आपके जो गीत की नायिका है बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी किस्म की है। ये जो बेचारे लड़के चौराहों पे खड़े रहते हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, पंक्चर लगा रहे हैं, फोन में बैलेंस भरवा रहे हैं, लेकिन नायिका इतनी स्वार्थी कि लोकल पे ध्यान ही नहीं दे रही, परदेशिया के संग जा रही है। तो बेचारे जो मोहल्ले वाले ये कहाँ जाएंगे, इनका भी तो कोई होना चाहिए। सब परदेशिया के संग निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे भैया, वही करेंगे जो कर रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है ये चित्र बड़ा विचित्र है मित्र। तो एक चित्र हम आपको दिखाएंगे और चित्र को देख के हमारे कलम के चितेरे क्या कहेंगे तो यही बताएंगे। ये चित्र बड़ा विचित्र है मित्र। अरे इस चित्र में ये जो हम कचरा फेंक देते हैं, बोतलें खाली इस तरह से बहा देते हैं, कहीं भी ढेर लग जाता है कचरे का, इसको देख के कुछ याद आता है किसी को? महानगरों में हर जगह आपको ऐसे दृश्य मिल जाएंगे। कुछ पंक्तियां मैं प्रदूषण से या इस चीज से रिलेटेड कहना चाहता हूं। कितनी मतलब खराब चीज है ये, हम इस तरह से कर देते हैं कि धुआं धुआं हुआ, धुआं धुआं ये शहर मेरा, बोलो शहर मेरे कैसे मैं जीऊं यहां, चारों तरफ कूड़ा और करकट है पड़ा हुआ, किसी भी चौराहे का तू जाके देख ले समा, इस धूल धक्कड़ के चक्कर में पड़ के ही हर तीजे आदमी को हुआ है दमा यहाँ, बालों को है डाई किए, क्रीम से पुताई किए, अंदर से खोखले हैं बाहर बने जवां, अंदर से खोखले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने कि हम अंदर से खोखले हैं। तब मुझे जाते जाते तुम्हारी इस बात पे एक बेहद प्रसिद्ध कवि का दोहा याद आ गया। वो कहते हैं कि खूब मला साबुन हमने और खूब बहाया नीर, खूब मला साबुन हमने और खूब बहाया नीर, किंतु धोई ना आत्मा मलते रहे शरीर। और हम चाहते हैं कि ये आत्मा स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो, और इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान में भी हम आगे बढ़ के कहते हैं कि इस देश को साफ होना चाहिए, न केवल हमारे तन को, मन को भी साफ होना चाहिए, ताकि हम खुल के कह सकें वाह भाई।